नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक लेडीज बूट लेकर आई हूँ, जो देखने में बहुत सुंदर है और बनाने में सरल है। और ये 6 नंबर के, जो 6 नंबर का जिसको जूता आता है ना, उसके लिए है ये। 6 नंबर के लिए आसानी से, आराम से आ जाएगा। ये देखो, ये 2 कलर का मैंने बनाया है, बिल्कुल सिंपल है। चलो आपको बनाना सिखाते हैं। सिक्स नंबर वाले को आराम से आ जाएगा। ये आपने उससे बड़ा बनाना है तो उसके लिए थोड़े फंदे ज्यादा डाल लेने। इसके मैंने 25 फंदे डाले हैं। जे आपने छोटा बनाना हो तो 20, 22, 24 जितने मर्जी डाल सकते हो। जो इससे बड़ा बनाना हो 25 की जगह 27 भी डाल सकते हो, 28 भी डाल सकते हो। ये मैंने 25 फंदे डाल के, एक सीधी उल्टी सिलाई डाल के मैंने ये थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना शुरू किया है। ये देखो कैसे बनाना है। पहले फंदे उतार लेना, इधर हमने 6 फंदे रखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 फंदों का डिजाइन है ये वाला। ये देखो, पहला फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा बुन लिया, धागा पीछे, एक फंदा उतार लिया, फिर 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर जो हमने फंदा उतारा था इसके ऊपर से ऐसे उल्टा आ देना, फिर फंदा उल्टा, एक सीधा, उल्टी सिलाई, एक सीधा आएगा, एक फंदा उतारा तो सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर हमने इस धागे को ऐसे घुमाकर जाली डाल लेनी। इससे फंदा ही बढ़ गया और हमारा जाली भी डल गई। फिर एक फंदा सीधा, फिर पूरी सिलाई सीधी जाएगी, पूरी सिलाई सीधी ही हो जाएगी। सीधी सिलाई, सीधी सिलाई में आपने कुछ नहीं करना, बस ये सीधी और उल्टी सिलाई के एक 2 सिलाइयों की डिजाइन है। 2 सिलाइयां हमने सीधी उल्टी ऐसे डाल लेनी। ये देखो, ये 6 फंदे आ गए, एक फंदा उल्टा और 3 फंदे हमारे सीधे। एक जाली डाली थी वो वाला, 2, 3 और फिर उल्टा और फिर सीधा, उल्टी तरफ से एक उल्टा, हमने फंदा उल्टा उतार लिया वो सीधा बुन लिया, 3 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे, 3 फंदे उल्टे, एक बाकी सारे सीधे जाएंगे, बाकी सारे फंदे सीधे जाएंगे। दो सिलाइयां, एक सीधी उल्टी सिलाई हमारी सिंपल जाएगी, एक सीधी उल्टी सिलाई में हमारा डिजाइन डलेगा। एक हमारे सिंपल चली गई, अब हमारी
इसमें डिज़ाइन आएगा। वैसे छह फंदे आ गए हमारे, पहला फंदा हमारा उल्टा, ये देखो, फिर हमने फंदा उतार लिया, दो सीधे बुन लिए। जो फंदा हमने उतारा था ना, उसको हमने ऐसे उठाकर दोनों के ऊपर से ऐसे उतार देना। अब ये फंदा हमारा उल्टा हो गया, ये हमारा सीधा, उल्टी सिलाई। एक हमने उतारा, एक हमने सीधा बुना, एक उल्टा, फिर इसको बल दे दिया, फिर ये भी उल्टा, ये हमने फंदे हमारे पूरे तीन हो गए और बाकी सिलाई सारी सीधी। अब इतना हम बनाकर मैं आपको फिर दिखाती हूँ। इतना आप ये डिज़ाइन उतार के इतना बना लो, इतना बनाकर फिर आगे आपको मैं दिखाती हूँ क्या करना। ये देखो, ये मैंने इतना बुन लिया और मैंने ये 27 जो सिलाइयाँ डाली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 मैंने ये सिलाई डाल ली है। ये 6 नंबर के हिसाब से मैंने ये जूते बनाए हैं। अब हमने दूसरा धागा डालना, ये वाला पोर्शन बनाना, अब हमने ये वाला, ये पोर्शन बनाने के लिए अब हम दूसरा धागा डालेंगे। पूरी सिलाई हम सीधी डाल लेंगे, पूरी सिलाई हमारी सीधी जाएगी। उल्टी सिलाई भी सीधी ही जाएगी। ये पूरा बूट ही हमारा सीधी सीधी सिलाइयों से बना। एक सिर्फ 6 फंदे ये वाले हमने जो डिज़ाइन डालने के लिए रखे, बाकी सब हमारी सीधी सिलाइयाँ ही जाएंगी। अब हमने बेस कलर जो है हमारा पिंक वाला, ये लगाएंगे। पहले फंदा उतारा, फिर हमने 15 फंदे इसके बुनने हैं, 15 फंदे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह
15 फंदों के बाद हमने इसको वापस कर लेना। पहले हमारे ये फंदा उतारेंगे, फिर धागा पीछे, फिर फंदा वापस, फिर 15 हमने फंदे ऐसे ही बुन लेने, सीधे ही आने हैं ये वाले। फंदा ऐसे करने से जाली नहीं डलेगी आपकी, नहीं तो जाली सी डल जाती है वापस ऐसे ही करोगे तो। फिर हमने ये वाला धागा लगाना है। जो तो हमने ये वाला धागा लगाना है, पूरी सिलाई डालनी है और पिंक वाले के हमारे 15 फंदे ही बुनने हैं। ये पूरी सीधी उल्टी तरफ से भी सीधी जाएगी और सीधी तरफ से भी सीधी। छोटा बड़ा बनाना हो, इससे बड़ा ही बनाना हो तो फंदे थोड़े और डाल लो, छोटा बनाना हो तो कम से कम जितने अपने अपने पैर के हिसाब से। जी 6 नंबर के जूते वाले को तो आराम से आ जाएगा। फिर हमने ये वाला धागा लगाना पिंक वाला, इसके हमने 15 फंदे बुनने हैं। एक दो तीन चार पाँच छः 15 फंदे हो गए। वापस फंदा पहले इस सिलाई में किया, ये देखो हमको नज़दीक से दिखा रही हूँ, इसमें धागा पीछे, फंदा वापस और ये फंदे हमने पूरे बुन लेने। ये देखो पहले 27 मैंने ये सिलाइयाँ डाली हैं और 21 सिलाइयाँ मैंने ये सॉरी 21 सिलाइयाँ ये वाली डार्क वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 ये वाली है, ये वाली डार्क वाली। और 27 ये डाल के फिर 21 ये डालनी है, फिर 27 ये डालेंगे। इतना बनाकर आपको मैं दिखाती हूँ, फिर जी इतना मैं बना लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ, इतना देख लो फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये मेरी 21 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50 60 70 80 90 20 21 डाल के फिर हमने ये पिंक वाला पूरा डाल लेंगे और ये वाला हम धागा काट देंगे। अब हमने पूरा पिंक कलर ये वाला हिस्सा बनाना है, ये वाला पूरी सिलाई सीधी डाल लेंगे। उल्टी तरफ से एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे,
बाकी सीधे सारे। पूरे सीधे जाएंगे। सीधी सिलाई भी सीधी। ये 6 फंदे जो है हमारे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फंदा उतारा, फिर 2 फंदे बुन लिए, इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार दिए, एक फंदा फिर उल्टा और एक सीधा, उल्टी तरफ से एक सीधा, फिर उल्टा, फिर धागा ऐसे घुमा लिया, जाली डाल ली, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर पूरी सिलाई सीधी। दो सिलाइयों की ये बुनती है और दो, एक सीधी और एक उल्टी सिंपल डालनी है, एक सीधी उल्टी में डिजाइन डालेगा। सीधी में हमने फंदा कटाना है, उल्टी में हमने बढ़ाना है। ऐसे ही हमने जैसे ये बनाया ना हमने, ऐसे ही जैसे हमने ये बनाई ना 27, उतनी ही हमने 27 ये बना लेंगे। सीधी तरफ से भी हमने अब एक एक दो सिलाइयों में हमने बुनती डालनी है, दो सिंपल बुन लेनी है, बस इतना ध्यान रखना आपने। ये हमारी सीधी और एक उल्टी सिलाई सिंपल जाएगी, उस तो अगली सीधी उल्टी में हमने डिजाइन डाल लेना। जितना हमने जेब बुना उतना ही हमने जेब बुन के आगे आपको फिर बताती हूँ कैसे हमने सिलाई करनी और कैसे हमने ये वाला डिजाइन डालना, ये वाला। इतना बुन के फिर हम आगे आपको बताती हूँ, जितना मैंने जेब बुना उतना ही हमने ये वाला बुन लेना, फिर आके आपको मैं बताती हूँ। ये 27, फिर ये डार्क वाले कलर हमने 21 किए, फिर 27 कर लिए। अब हमने बंद कर देना, पूरा बंद करते हैं, बंद करके इसकी स्टिचिंग करेंगे। ऐसे पूरा बंद कर देते हैं, ये देखो पूरा बंद हो गया। अब हमने ये दोनों इधर से सिलाई करनी है, इधर से, और ये सारा, ये पूरा इधर से पूरा। हमने धागा लंबा छोड़ लिया इसलिए, क्योंकि इधर से भी हम सिलाई करेंगे और इधर से भी कर लेंगे। पूरी सिलाई करके फिर आपको मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखो ये बन गया, ये पूरा मैंने सिलाई कर दी इधर से भी
और इधर से भी। अब हमने यहाँ इसको जैसे खुला है ना, इसको टाइट करना है ये वाला हिस्सा। अब इसको हम बनाएंगे, ये देखो। छोटे छोटे टंके लेने आपने, जितना डार्क हिस्सा है उसको ही सिर्फ लेना आपने। इसको पूरा टाइट कर देना आपने। करके इसको बंद बंद कर देंगे। अब हम ये वाला फ्लावर बनाएंगे, ये वाला। चेन स्टिच की तरह बनेगा ये वाला। ऐसे करके बस यहां से इधर को वापस
अब हमने थोड़ी सी यहाँ सिलाई करनी है, जैसे मैंने ये की है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं करनी, अपने पैर के हिसाब से भी कर सकते हो। तो मैंने इतनी की है, इतनी सी आपने इधर की सिलाई करनी है। ये कैसे करनी है, ये उल्टी तरफ से हमने करनी है, क्योंकि ये डिज़ाइन ऊपर आएगा दोनों तरफ से, इसलिए उल्टी तरफ से। एक फंदा यहाँ से लेना हमने और एक फंदा यहाँ से, ऐसा पूरा आपने कर लेने। ये देखो इतना हो गया। अब हम यहां से ही पक्का कर देंगे। ये देखो दोनों बनके तैयार हो गए। आप भी जरूर बनाना, और सर्दियां आ रही है अब तो, अब किसी बहुत जरूरत होगी। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।